भाई कौन लोग है और कहाँ से आया, क्या मामला है इनका? देखिए मामला ये है कि ये पलायन कर गए हैं लोग, ये पलायन कर गए हैं लोग यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मामला ये है कि ये जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, इस दुष्कर्म के मामले में प्रशासन कह रहा है कि वहाँ पे अब सब शांति है और लोग अपने आप वहाँ पे आसानी शांतिपूर्वक रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पर ना तो कोई पुलिस का प्रबंध है, ना कोई प्रशासन का प्रबंध है, और वहाँ पर आए दिन गुंडे बदमाश पहुँच रहे हैं, आए दिन वहाँ पर छेड़छाड़ हो रही है। अब ये सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद ये बिल्कुल दहशत में है, उनको वहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं है। बिना बताए अपना सामान वहाँ छोड़ के ये सब लोग भाग आए हैं, अपने अलग अलग रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि इनका होने क्या वाला है, इसलिए हम लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इनको जो है आवास की तत्काल व्यवस्था की जाए और इनके लिए जीवन यापन के लिए 5 बीघा का जमीन का पट्टा दिया जाए ताकि खेती कर सके और रह सके। किसी को अवगत भी करवाया गया? हमने कलेक्टर साहब से बात की थी, लेकिन कलेक्टर साहब का वो जो रवैया ठीक नहीं था। हम लोग अभी तय करेंगे और आगे जो है धरना प्रदर्शन की कार्रवाई